मशीन पर भी महायंत्र पर भी दो चार मिनट बोलना है, थोड़ा विचार कीजिए। ईश्वर को मत मानिए, परमात्मा को मत मानिए, लेकिन अपने को तो मानते हैं ना। अपना जीवन तो 24 घंटे अपने पास है ना। हम हो या आप, हमारी आपकी प्रवृत्ति का या निवृत्ति का नियामक कौन है? हमारी आपकी चाह का सचमुच में विषय कौन है? इस पर विचार करना चाहिए। मैं बोलता हूँ, मृत्यु का भय, अमृतत्व की भावना। अमीबा को भी छेड़िए तो मौत से बचने का प्रयास करता है। मृत्यु का भय, अमृतत्व की भावना। जहाँ मृत्यु का भय रहता है वहाँ अमृतत्व की भावना रहती है। ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, इसका अर्थ क्या है? हम वो होकर रहना चाहते हैं जहाँ मौत की छाया ही न पहुँच सके। मौत का भय को नहीं पहुँचता है। गाढ़ी नींद में किसी को मौत का भय लगता है क्या? गाढ़ी नींद में किसी को मौत का भय लगता है? गाढ़ी नींद में सर्दी गर्मी भूख प्यास किसी द्वंद्व की प्राप्ति होती है? गाढ़ी नींद में काम क्रोध किसी लोभ मोह शोक किसी भी मनोविकार की पहुँच होती है? गाढ़ी नींद में किसी को दुख प्राप्त होता है? और गाढ़ी नींद में किसको आनंद नहीं प्राप्त होता? तो हम अपने वास्तविक स्वरूप की ओर, चाह के वास्तविक विषय की ओर सन्निकट पहुंच जाते हैं। हमारी आपकी चाह का वास्तविक विषय पहला कौन है? सत्य। ऐसा जीवन, ऐसा तत्व होकर रहूं जहां मौत की छाया भी न पहुंच सके। ऐसा ज्ञान जहां जड़ता की अज्ञता की छाया भी न पहुंच सके। ऐसा आनंद जहां दुख की छाया भी न पहुंच सके। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां मृतम गमय। इसका अर्थ क्या हुआ जी? हम सचित आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। मृत्यु अज्ञता जड़ता दुख के चपेट से विनिर्मुक्त होकर रहना चाहते हैं। हमारी चाह का जो विषय है उसी का नाम परमात्मा है। बुरा न मानो होली। मैं उदाहरण देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। क्यों जी, किसी को भूख लगती हो और सृष्टि में भोजन का अन्न का अस्तित्व ही ना हो, संभव है क्या? हमको आपको भूख लगती है तो डंके की चोट से या तत्व सिद्ध है कि भोजन का अस्तित्व है? हमको आपको प्यास लगती है तो डंके की चोट से या तत्व सिद्ध है कि विश्व में जल का अस्तित्व है? हमको आपको नेत्र प्राप्त है तो डंके की चोट से या तत्व सिद्ध है कि विश्व में रूप का अस्तित्व है? हमको आपको कान प्राप्त है तो डंके की चोट से या तत्व सिद्ध है कि कान का विषय शब्द है? हमको आपको त्वक प्राप्त है तो डंके की चोट से या तत्व सिद्ध है कि विश्व में स्पर्श है? हमको आपको रसनेन्द्रिय प्राप्त है तो डंके की चोट से या तत्व सिद्ध है कि विश्व में जल का रस का अस्तित्व है? हमको आपको नासिका प्राप्त है तो डंके की चोट से या तत्व सिद्ध है कि विश्व में गंध का अस्तित्व है? हमको आपको अनादिकाल से सचित आनंद की प्यास लगी हुई है। सचित आनंद होकर हम रहना चाहते हैं तो डंके की चोट से या तत्व सिद्ध है कि कोई सचिदानंद तत्व है? वो हमसे भिन्न हुआ तो हमसे मिलेगा भी छूट जाएगा, फिर हमको मृत्यु का भय होगा ही। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी आपकी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम परमात्मा है। जल तरंग चिल्ला चिल्ला कर कहे जल कौन होता है, तो जानकार कहेंगे अरे वो नादान, जल वही होता है जो तेरा जीवन होता है, तेरी उत्पत्ति का स्थान, तेरी स्थिति का स्थान, तेरी समृद्धि का स्थान जो वही जल है। अगर जीव कहता है ईश्वर कौन होता है, परमात्मा कौन होता है, उसको कहना चाहिए जो तेरी चाह का असली विषय होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आप सब जानते ही हैं। हमारे वैशेषिक दर्शन आदि ने तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पहले ही उद्भाषित कर रखा है। और आप विचार कीजिए, एक वृक्ष से कोई पत्ती गिरती है, फल गिरता है, या यही हमने गेंदा का पुष्प लिया, बल और वेग पूर्वक ऊपर उछाला, बल और वेग के निरस्त हो जाने पर गंगा गेंदा का पुष्प नीचे आएगा या नहीं? क्यों आएगा? क्योंकि पार्थिव है, पृथ्वी का कार्य है, गंधयुक्त है, गंधवती पृथ्वी है। इस दृष्टांत के बल पर ये दार्शनिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है कि प्रत्येक अंश स्वभाव तो अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। वहाँ पर अमेरिका में मान लीजिए, ब्रिटेन में मान लीजिए, हुआ ही था आतंकवादियों के द्वारा, या आतंकवादियों ने 110 मंजिल का भवन ढा दिया था। आजकल 110वीं मंजिल पर भी यांत्रिक विधा का अवलंबन लेकर जल को पहुंचा चुके हैं। 25वीं मंजिल पर, 110वीं मंजिल पर भी जल से परिपूर्ण टोटी को खोलने पर जल की धारा नीचे क्यों प्रवाहित होती है? क्योंकि अंश है,
उसका आकर्षण का केंद्र महोदय समुद्र है। प्रत्येक अंश स्वभाव अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। हम दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप की शिखा ऊपर की ओर क्यों उठती है, क्योंकि अंश है, अंशी कौन है, नभो मंडल में विद्यमान आदित्य या सूर्य। इसी प्रकार हमारे आकर्षण का विषय कौन है, सचित आनंद, ऐसा जीवन या मौत जनता दुख की पहुंच ना हो, सच्चिदानंद होकर हम रहना चाहते हैं, इसलिए सच्चिदानंद तत्व का अस्तित्व है। इतना मैंने कहा, एक सृष्टि की प्रक्रिया तो नहीं, एक दो मिनट में कह देते हैं, जानकारी तो रखनी चाहिए।